हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं एक नया वीडियो में। और आज है नेत्रहाट एथूस का तीसरा दिन है और हम लोग निकल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पूरा फॉग किया हुआ है, एक साइड मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये हम लोग का होटल था, रुके थे यहाँ पर। भयंकर फॉग किया हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है आज। तो दोस्तों ये था होटल, होटल क्यों द हिल क्वीन है। इधर उधर मोड़ा ना होना है। तो दोस्तों देख सकते हैं भयंकर टाइप से फोक किया हुआ है यहाँ पर। इतना भयंकर वो कुछ दिख नहीं रहा है। चलो छात्र तरफ है ना। अरे बाप रे, इतना भयंकर फोग, कुछ दिख नहीं रहा है यार, मजा आ रहा है। तो दोस्तों इधर से नज़ारा देखिए, भयंकर टाइप से फोग किया हुआ है, पूरा कोहरा है, कोहरा दिख रहा है। ऐसे में ये वाला लाइट देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। ये वाला व्हाइट वाला रहता है ना, हाँ, वैसे काम नहीं करता। ये अच्छा दिख रहा है फोग के लिए। हाँ, यहाँ पर फोटो सब खिंचाओ, समझा ना, मजा आएगा। नहीं उस जगह चलो ना, आगे में गाड़ी को खड़ा कर लेना, उस गाड़ी का जो लाइट है ना, हाँ, उससे फोटो खिंचाना, एक नंबर। दोस्तों नज़ारा देखिए आप, बड़ी खतरनाक टाइप का दिख रहा है। नजारा के लिए तो हम तड़प रहे थे कब से। नेत्रहाट का ही तो एक खूबी है, भूत वाला जैसे नहीं लग रहा है। भूत आ जाएगा जैसे। अब दोस्तों हम लोग आगे जा रहे हैं, जगह बहुत फोटो खिंचा लिए। तो दोस्तों नज़ारा देखिए, ये है डैम वाला रास्ता, कोयल व्यू पॉइंट जा रहे हैं अभी हम लोग। चलो आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं पाइन ट्री साइड, वो साइड है आगे। भयंकर टाइप से कोहरा कर दिया है इस साइड। चलो कोहरा ही कोहरा है, मजा आ रहा है। ये मैंने ढक लिया, पानी भी आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग आगे जा रहे हैं। कहाँ यार, कोई आदमी है कि नहीं यार, खाली हम ही लोग खाली अकेले जा रहे हैं। चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं जगह। तो दोस्तों ऐसे नज़ारा है, घूमने फिरने बोलते हैं। ये है भूत वाला जगह,
अरे ठीक ठीक दोस्तों, हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इतना मज़ा कभी नहीं आया था। ऐसा लग रहा है हम शिमला आ गए, जैसे खाली बर्फ़ का कमी है, नहीं थोड़ा बर्फ रहता ना तो और मज़ा आता। पूरा स्नो स्नो हाँ, छाता पकड़ के घूम रहे। नीचे कोयल व्यू पॉइंट है, दिखेगा ही नहीं। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को, आज ऐसे कभी नहीं मिला था ना। तो इधर पूरा पेड़ सब देख सकते हैं, इस साइड भूतिया जगह नहीं लग रहा है हमको, तो भूत वाला जगह लग रहा है, काली काली रात। अब दोस्तों चलते हैं दूसरा लोकेशन में। यहाँ बहुत बना लिए वीडियो वगैरह, और आइए आप लोग भी ठंडा सीजन में। ये रेनी सीजन है ना, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा, ठंडा सीजन और मज़ा आएगा। पूरा इससे भी वाइट वाला फॉग रहता है। गर्मी सीजन में मत आइए, कुछ नहीं रहता ऐसे। बरसात सीजन में नाइट में भी फ़ायदा है, सब सस्ता सस्ता मिल जाता है। ऑफ सीजन है ना, हम लोग ऑफ सीजन में आए हैं, इसी हम लोग को सब कुछ सस्ता में निपटा दिए। ये वाला पेड़ मस्त दिखता है, तोड़े हैं उसको उखाड़ के लेंगे काट। ये वाला पौधा उधर मिलेगा ना, किधर वही बगल आसपास पानी आ रहा है। ये जगह से बैरिकेड लगा दिया, नहीं तो गाड़ी सब लेने बनता था उधर। चलो अब दूसरा लोकेशन में जाते हैं, आज तो घूमना ही घूमना है, चलो घुमा के आना। तो दोस्तों थोड़ा सा और रील्स बना लेते हैं, वो आप ही ले के आएगा गाड़ी। इतना सुबह सुबह मज़ा आ रहा है। चलते हैं दूसरा लोकेशन में, यहाँ बहुत वीडियो बना लिए, पानी में भींग भी जा रहे हैं। चलो नेत्रहाट का मज़ा, बहुत मज़ा आता है इससे। इधर पाइन ट्री का पूरा जंगल, घनी आबादी क्षेत्र है, ये फॉरेस्ट विभाग वाला का है। वीडियो बनाइए, लाइट जला ले। अरे भाई लाइट तो जला लेता, दिखता ही नहीं है कुछ। दोस्तों हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं, दिख नहीं रहा है कैमरा में, पता नहीं वैसे चल नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा होगा कितना फोग है उसको। हाँ ये ठीक कर रहे हैं, जला के आ रहा है। अरे यार यहाँ तो और कुछ नहीं दिख रहा है, इससे नज़ारा में कुछ अलग ही मज़ा आता है। खाली बर्फ गिरता ना तो और अच्छा दिखता नहीं। आसपास रोकते हैं,
से आता है उसे तो ऊपर होगा ना तो सब हट जाएगा। स्कूल तरफ चलते हैं सीधे। फिर से हम लोग स्कूल से हट जा रहे हैं। उधर कुछ मूवमेंट को कैप्चर कर लेंगे उसके बाद चलेंगे उस साइड अलग लोकेशन में। अभी तो घर मस्त दिख रहा होगा बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग मजा आ रहा है। तो दोस्तों ये जगह हम लोग बहुत वीडियो बना लिए और चलते हैं दूसरे लोकेशन में। चलो अब दूसरे लोकेशन जाएंगे। मस्त नज़ारा दिख रहा है। पूरा खाई बंदर सब दिख नहीं रहा है। बंदर सब दिखते ना मजा आता है। दरिया से नीचे गिरा बचबो नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ नजर घटी तो दुर्घटना घट जाएगी इसीलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर चला। दोस्तों पेड़ के वजह से ये जगह थोड़ा सा स्लो करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों ऐसे था पूरा वो साइड। हाँ लोग वहाँ से आए धीरे 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 होते हुए अब नीचे जा रहे हैं। चलो धीरे धीरे उधर पहाड़ का फोटो नहीं दिख रहा है। अरे अरे बंदर कहाँ भाग गया। ये तो एक जगह चलो जाने जाना चाहिए तो आगे में कितना बंदर है। बंदर तो दोस्तों आपको चलिए बंदर दिखाते हैं। ये रहा है जो सुनो करो ना कहाँ भाग रहे थे तुम लोग। इधर किनारे किनारे लो ना साइड में देने बनेगा जी। ले कुछ तो जी नहीं लाए हैं तेरे लिए। आओ 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 आजा 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 दौड़ 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 और आओ 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 दौड़ो 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 दौड़ो। कहाँ है यार कुछ नहीं है तेरे लिए खाने के लिए। आजा 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 आओ ये भयंकर दौड़ रहा है। आओ आओ आओ
उस दिन हम चना लेके आए थे ना, तो उसको यहीं से लैंडस्लाइड हुआ था। और एक तो ये दोस्तों, एक ये जगह था वाटरफॉल नजदीक में, सब पानी जाके ना नदी में मिल जाएगा। इसे खाई इस तरह का नज़ारा देखते हैं। यहाँ बांस का पेड़ बहुत है, कोई पेड़ है जी। दोस्तों आपको बंदर दिखा रहे, आ जाओ। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ऊपर ही हैं, नए उतरे हैं राहिल घाटी से। बहुत लंबा घाटी है और बंदर सब नहीं दिख रहे। बंदर दिखता है ना मजा आता है। अब धीरे धीरे अब उतरने ही वाले हैं, नीचे तो पहुंच गए हैं। कर ओ पहाड़ में थे हम लोग, कहाँ से कहाँ आ गए। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ पहाड़ को दिखाने का, कहीं दिख नहीं रहा। और थोड़ा सा दूर उसके बाद हम लोग उतर जाएंगे नीचे। महिंद्रा का 700 मस्त इधर ग्रीनरी दिख रहा है। हम लोग घाघरा पहुंचेंगे, घाघरा से हम लोग को लेना पड़ेगा राइट, वहां से गुमला, जसपुर गुमला है 32 किलोमीटर। तो दोस्तों ये है घाघरा, हम लोग पहुंच गए हैं अभी घाघरा, उसके बाद गुमला पहुंचना है। राइट लेना ना, जो जगह से मुड़े थे उस जगह से। यहाँ से होगा 100 किलोमीटर है और गुमला यहाँ से 26 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग को राइट ले लेते हैं। गाड़ी जा रहे उधर, भागो दीदी। यहाँ से गुमला के बाद और उधर सिमडेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधे हम लोग गुमला में, इसके बाद वहाँ से और कंटिन्यू करेंगे सिमडेगा के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच रहे हैं गुमला, और टाउन है, एंट्री है, शुरुआत है गुमला का, इधर से शुरू होता है। अब यहाँ से कहीं ढाबा वाबा मिलेगा तो रुकेंगे, पेट पूजा किया जाएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। और सिमडेगा यहाँ से 75 किलोमीटर और आगे जाना है। 75 किलोमीटर, अरे बाप रे, इतना दूर। अरे ये मार्केट, वो जो गाड़ी घुसा ना उस साइड इधर उन्हें, लेफ्ट रांची बेड़ो सिमडेगा। ग्यारह बज गया, टाइम हुआ है 11 बजे है, और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे सिमडेगा। बहुत कंजस्टेड है लेकिन गुमला ना, तो
पार्किंग के लिए भी स्थान नहीं है, नहीं देख रहे कौन गली में आ गई ऐसे लग रहा है। ये मेन चौक है, इसको का टावर बोलते हैं, टावर चौक, शहीद चौक। यहाँ से इधर से उधर चलो, राइट जाएंगे, इधर तो रांची चला जाएगा ये वाला रास्ता, हम लोग वहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। बाप रे इतना बड़का सा शोरूम, मॉल जैसे दिख रहा है। अब यहाँ से सिमडेगा जाएंगे और 72 किलोमीटर जाना है। बुलेट का रे जावा का शोरूम, का दिन चलेंगे वहाँ धनगदी ना, धनगदी नहीं बोलते हैं उधर, उधर उधर, हाँ हाँ उधर। तो दोस्तों ये जगह थोड़ा सा मेरे पैर हाथ से को धोवा लेते हैं, थोड़ा गंदा हो गया है। यह मस्त दिख रहा है पानी, अभी और कितना किलोमीटर जाना है, 72 किलोमीटर जाना है और चलो। गाड़ी तो हम लोग उजा खड़ा कर दिए हैं और इधर नीचे उतरे थे। मौसम मस्त किया है, गाड़ी का हालत देखो कितना गंदा हो गया है। चक्का चक्का तो घिस लेना करेगा था। चलो आप आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है NH-23, अभी हम लोग हैं NH-23 में, ये भी सिमडेगा जा रहा हूँ बस। तो दोस्तों ये है डैम पालके पालकोटला, बड़े भयंकर भर आए जी। तो आज देख रहा हूँ यहाँ ना, पहले लकड़ी वाला पुल होता था उस जगह से, वहाँ से इधर आते थे ये जगह तक। ये है पालकोटला डैम, दुतली दातुली डैम, दातुली बोलते हैं ये जगह का नाम। पहले ये वाला ना लकड़ी वाला पुल होता था, उसमें गाड़ी चलता था। दोस्तों हम लोग अभी पहुँचे हैं किलेवी घाट, सिमडेगा घाटी में एक तो ये इकलौता घाट है जो जिलेबी लाइक स्ट्रक्चर। पहले मामा लोग क्या किया गाड़ी को, ये आतंकवादी लोग का पहले गढ़ था सब गाड़ी। आगे में एक तो फॉल मिलेगा वहाँ दोस्तों। ये झरना ना पिकनिक बनाने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। और एक झरना है जगह, वो अच्छा दिखता है, ड्रोन शॉट भी लेंगे ना। चलो अब नीचे गाड़ी को यहाँ खड़ा करके जा रहे हैं लोग नीचे जंगल। वो तो आगे चलो, आगे
नहीं आएगा, कुछ नहीं पकड़े। यहाँ पे नाला अंदर पानी पार है, अरे किधर जाएंगे इधर। तो दोस्तों ये बीच जंगल है, हमको अच्छा दिखता है ये वाला लोकेशन, तो आ गए हैं। अंदर पानी गिर रहा है, नज़दीक जाके देखते हैं। लोकेशन में जाएंगे तब वहाँ का वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।